आज मैं आप लोगों को बताने और दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने एलिगेटर गारफिश का केयर कैसे करता हूँ, उसे क्या खिलाता हूँ और उसको कैसे रहती है, क्या क्या खाती है। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मेरे पास एक एलिगेटर फिश जो खाना नहीं खाता था, वो जिंदा मछलियाँ खाता था। अभी वो थोड़ा सा मैंने इसका मेंटेनेंस किया, पानी वगैरह निकाला हुआ है तो अभी थोड़ा सा वो डरे हुए हैं। लेकिन इनकी मैं आप लोगों को स्पेशलिटीज़ बताना चाहूँगा कि ये नॉर्मल ऑप्टियम के जो दाने होते हैं, मिनी पैलेट्स, ये भी खाते हैं ये। और इसके साथ में आप इनको टेट्रा बाइट्स दे दीजिए। और ये रेड टेल कैट इसके साथ में काफ़ी लंबे समय से हैं, जब से आए हुए थे इनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग एक महीना होने वाला है और आप लोग देख सकते हो उधर भी कि वो खाना भी कितना बढ़िया खा रहा है। देख सकते हैं कि मतलब पैलेट्स खा रहे हैं और इनकी साइज़ और इनके कलर्स भी देख सकते हैं कितने इंक्रीज हो रहे हैं। और टेट्रा बाइट्स कंप्लीट डालने का फ़ायदा दो है मेरे को, एक तो एलिगेटर भी खाता है और ये जब नीचे तरफ डूब जाता है तो जो मेरी रेड टेल कैट फिश है ये भी खाती है। एक डरा हुआ है तो अभी थोड़ा सा नहीं खा रहा है, दूसरा वाला आप लोग देख सकते हैं खा रहा है। और इनके कलर, इसकी साइज़ वगैरह भी आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी है, यानी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और मतलब कि काफ़ी बेहतरीन एलिगेटर आए हुए हैं, एलिगेटर गार हैं ये। और आप इनको देख सकते हो, इनके कलर्स, इनकी ब्यूटनेस। अगर आप लोग कोई डिफरेंट या अट्रैक्टिव फिश पालना चाहते हो तो आई थिंक ये इससे डिफरेंट और इससे अट्रैक्टिव फिश कुछ भी नहीं होगी, जो काफ़ी आराम से कई सारी मछलियों के साथ में रहने के इसमें एक बेनिफिट ये है कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और रेड टेल कैट फिश के साथ में भी रह रही है। तो मतलब कि आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब इस बार का एलिगेटर मुझे, एक्चुअल में आप लोगों को दिखाना चाहता था, कई सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे एलिगेटर दाना खाता है। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था एलिगेटर गार जिसका कि एलिगेटर गार बड़ी ख़तरनाक, बहुत बेकार मछली होती है, इसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन इस बार मैंने रखा तो ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्यारी मछली दिख रही, इतनी ख़तरनाक भी नहीं, जंप वगैरह भी नहीं करती, खुले ओपन एक्वेरियम में है। और ये खाना खाने के साथ साथ में दूसरी फिश को परेशान नहीं करे आप लोग। अभी क्या है कि मेरा एलिगेटर गार जो है वो नीचे वाले एक्वेरियम में रखा हुआ है, क्योंकि मेरे ऊपर वाले टैंक्स खाली नहीं थे, क्योंकि इसमें व्यूज़ के लिए मैंने फ्लावर पॉट और एरोवाना फिशेस रखी हुई थी जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, सेल आउट हो चुकी हैं मेरे पास। तो अभी क्या है ना, जो मेरी रेड टेल कैट फिश है और जो मेरी एलिगेटर गार फिश है, क्योंकि इस टैंक में व्यू भी नहीं आता इनका और थोड़ा मेंटेनेंस और क्लियर करने में के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लोग देख भी नहीं पाते, इसके लिए मैं जिसमें पहले एरोवाना रखा हुआ था इस टैंक में इसको शिफ्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से ये होगा कि लोगों को देखने में भी आप लोगों को व्यूज़ आएगा, वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा और मेरे कोई कस्टमर्स आएंगे तो उन्हें भी कोई डिफरेंट मछली देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए मैं भी करने वाला हूँ इसको शिफ्ट, फिर मैं बताता हूँ इसकी पूरी केयर की भी जानकारी दूँगा। आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास दो एलिगेटर गार हैं और ये काफ़ी बदमाश भी होते हैं, मैं इनको एक एक करके निकालूंगा। एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि जंप वगैरह भी करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दो नेट का यूज़ कीजिए जिससे कि जंप ना करे। मैं इस टैंक को खोल देता हूं पहले, क्योंकि इसको मैंने रवाना जंप ना करे इसकी वजह से रखा हुआ था। आप लोग देख सकते हो कि जंप भी कर गया था अभी। क्या ना, एक नेट ये छोटा है, इसके ऊपर मुझे बड़ा नेट लगाना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास आया नहीं। इसका तरीका एक और है। अब आप लोग इसे फ्रंट से देख सकते हो, इसमें क्या है कि मैंने रोवाना के हिसाब से इस टैंक को बनाया हुआ था, जिसमें से कि रोवाना फिश का अच्छा व्यू आएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। अब आप लोग देख सकते हो ये कितना क्लियर और कितना प्यारा लग रहा है, इसके दांत भी पतले पतले दिख रहे हैं, इसके बॉडी के कलर दिख रहे हैं, आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हो। इनका केयर और मेंटेनेंस बताना चाहूँगा, आप लोग इस पर ठंड के सीज़न में हीटर यूज़ करना पड़ेगा, वैसे होती काफ़ी हार्ड फिश, इसमें फंगस वगैरह इतनी आसानी से लगते नहीं हैं, बट इसका टेम्परेचर 28 पे मेंटेन रखना चाहिए अपन लोगों को।
इस फूड की अगर आप बचपन से जैसे मैंने इसकी आदत लगा दी ऑप्टिमम पैलेट टेटर बिट्स खिलाने की, तो इसे कभी गप्पी मोली नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी आदत ख़राब हो जाएगी, फिर ये पैलेट्स खाना छोड़ देगा, फिर इसे फिशेस ही खाएगा। इसके लिए आप लोग इसे बिग पैलेट्स खिलाते रहिए जिससे इसकी आदत उसी पर बनी रहे। इसमें अगर टैंक में पानी फुल है तो आप लोग टैंक इसको ढक के रखिए, क्योंकि जंप करता है, एक बार ये जंप कर जाएगा तो फिर एक्चुअल में ये पानी के बाहर भी 5-6 मिनट तक जिंदा रह लेता है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि या तो एक नेट आता है इसको कवर करने के लिए एक्वेरियम, वो भी छा दीजिए, या तो आप टेम्परेरी ग्लास से पैक कर दीजिए। लेकिन पैक करने के पहले आप लोगों को इसमें एयर पंप, ऑक्सीजन और फिल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये इनको ऑक्सीजन की किसी भी मछली को ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और ये पूरी तरीके से बंद रहेगा जब कोई भी टैंक, और जैसे अगर आप नेट से बंद करते हैं, एक नेट आता है ग्रीन कलर का, तो उसमें ऑक्सीजन भी पास होती रहती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जिसमें अगर आप ग्लास से पैक की हो या कवर से पैक की हो, तो उसमें एयर पंप या फिल्टर करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मेरी एलिगेटर गार्ब इसका आप लोग अपडेट पा के काफ़ी खुश हुए होंगे और काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। तो वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई सारी चीज़ों की लिंक दी हुई थी, उसे आप लोग ओपन करके ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।